आमतौर पर भारतीय समाज में यह माना जाता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादातर अपराधों को अंजाम देते हैं, लेकिन यदि कोई महिला किसी अपराध की दोषी पाई जाती है तो भारतीय जेलों में महिला कैदियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक 15 सालों में महिला कैदियों की संख्या में 61% की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके इन कैदियों के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि महिला कैदियों की संख्या बढ़ने का मेन कारण क्या है। साल 2018 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 4,66,084 लोग जेल में कैदी का जीवन जी रहे हैं। इनमें से कुल 19,242 महिला कैदी हैं। राजस्थान की जेलों में कैदियों की स्थिति पर हुई एक स्टडी के मुताबिक महिला कैदी आम तौर पर कमजोर सामाजिक और आर्थिक तबके से आती हैं। नतीजतन अपराध साबित न होने के बावजूद भी ये महिलाएं कई कई सालों तक जेलों में ही रहती हैं। साथ ही यह भी देखा गया है कि इन कैदियों की उम्र भी कम होती है। इन पर अपने बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं। कम शिक्षा, नौकरी का अभाव और जेलों के हालात सब मिलकर इन महिला कैदियों का जीवन दुष्कर बना देते हैं। तो क्या असल में महिलाएं जेलों में भेदभाव का शिकार होती हैं? जेलों में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो पुरुषों को तो मिलती हैं लेकिन महिलाओं को नहीं। उदाहरण के तौर पर काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद तिहाड़ जेल में महिलाओं के लिए भी ओपन जेल की व्यवस्था हुई है। इसके अतिरिक्त जेलों में जगह की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 2017 के बीच कैदियों की संख्या में 7.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर जेलों की क्षमता मात्र 6.8% ही बढ़ी है। जगह की इसी कमी की वजह से महिला और पुरुष कैदियों के बीच लगभग ना के बराबर दूरी रहती है। इससे महिला कैदियों की सुरक्षा भी खतरे में बनी रहती है और कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब महिला कैदियों के साथ दुष्व्यवहार किया जाता है। जेलों से जुड़ी ऐसी अन्य दूसरी जानकारियों के लिए बने रहें ट्रिपल.com पर। धन्यवाद।